सकलेन से मैं पूछूंगी कि अब क्या करना है। मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। नहीं, नहीं, तुम अपने ससुराल में रहती हो और इसका तुम्हारे ससुराल में रहना ठीक नहीं है। ये हमारे साथ हमारे घर रह सकती है, जानती हूँ मैं। वो इसे कभी भी यहाँ अकेले नहीं रहने देंगे। ठीक है, आप किचन में जाकर इंतजाम आ जाएगी। जी अच्छा। हरीबा, मैंने खाला के स्वयं का इंतजाम करवा दिया, यतीम खाने भी खाना भिजवा दिया है, कई सारे सवाब के, और सलमा से भी कह दिया है कि अब वो 24 घंटे यहीं रहेगी। वो रात को चली जाती है मगर अब नहीं जाएगी, हमशा के पास रहेगी। सुने, मैं सोच रही हूँ गरीबा, हम रमशा को इस घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। बच्ची है वो, घबरा जाएगी। मैंने सलमा से कहा है कि अब वो 24 घंटे रमशा के साथ रहेगी, रमशा का भी ध्यान करेगी और इस घर को भी देख लेगी। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हम देखो, अभी उसकी शादी की बात मत करो। खाला के इंतकाल को अभी 2 ही दिन है, वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए। वैसे भी बच्ची है अभी, वो पढ़ने दो उसको। खाला भी तो यही चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले। लाखों रुपया खर्च हो चुका है उसकी पढ़ाई पर, उसको उसकी डिग्री मुकम्मल करने की। कॉल जी।